हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं गीता गार्डनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लांट को भी कभी कभी ना बहुत उसको केयर करना पड़ता है बहुत अच्छे तरह से। जैसे देखें, ये मैंने मॉस स्टिक में लगाया हुआ था मनी प्लांट। देखें बीच में तो ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे जब ये ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन अब ये इतने लंबे लंबे हो गए हैं ना फ्रेंड्स। देखें कितने लंबे लंबे, मैंने अभी इसे खोला है तो देखे हैं, और देखें इसके पत्ते कितने ख़राब हो गए हैं। ये भी डोरमेंसी से बाहर निकलेंगे फ्रेंड्स फरवरी में। और इसी में पान का बेल भी फ्रेंड्स पकड़ लिया था रूट, और ये देखें पान का बेल भी बगल में था, तो पान भी इसमें आ गए हैं फ्रेंड्स। तो देखें ये कितने ख़राब लग रहे हैं, अभी पूरे इसके पत्ते वगैरह सूख गए हैं। और डाल देखें किस तरह से, ये गोल्डन मेरा मनी प्लांट है, देखें किस तरह से ये अभी इतने ख़राब लग रहे हैं। तो फिर इसको सेप देना पड़ेगा फ्रेंड्स। मॉस स्टिक में भी आप लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसमें भी आपको केयर करना पड़ता है, क्योंकि प्लांट अपना ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं। और देखें कितने लंबे हो गए हैं। तो ये सबको फिर से खोल करके फ्रेंड्स फिर से इसे ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये एकदम अब ख़राब लग रहे हैं, देखने में थोड़े भी अच्छे नहीं लग रहे हैं फ्रेंड्स। सबको मैंने प्लास्टिक से बांध बांध करके और इस तरह से लपेट करके मैंने इसको बनाया था, लेकिन ये तो लग रहा है बहुत लंबे, करीब 12-14 फीट के हो गए हैं फ्रेंड्स। तो इसे मैं आज इसी सब का काम करूंगी। और इधर भी मेरे बहुत सारे प्लांट हैं फ्रेंड्स, जो कि मॉस स्टिक में लगे हुए हैं। देखें यहाँ भी है फ्रेंड्स, ये फेलीड्रोन है फ्रेंड्स, देखें ये भी फेलीड्रोन है और ये भी फेलीड्रोन ही है फ्रेंड्स। देखें तो ये सब तो उतने नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हो गए हैं फ्रेंड्स। देखें ये भी, देखें इसको भी कट करके मैं उस सबका मैं कटिंग लगाऊंगी फ्रेंड्स अभी। तो मैं आज यही काम करूंगी। और इधर देखें फ्रेंड्स, मेरे ये रबर प्लांट हैं, इसमें भी अभी देखें ऊपर से रबर प्लांट का यदि आपको बूसी बनाना है तो टिप तोड़ दें, तो देखें यहाँ से दो डाल निकल रहे हैं। फिर देखें फ्रेंड्स, यहाँ से तो एक ही डाल निकल रहे हैं, अभी दो नहीं निकल रहे हैं, मैंने सारा का टिप तोड़ दिया था। यदि आपको बूसी बनाना है ना फ्रेंड्स रबर प्लांट को, तो उसका टिप तोड़ दिया करें। और फिर देखें फ्रेंड्स, ये मेरा एग्लोनीमा, ये भी डोरमेंसी में, इसके पत्ते सब देखें कैसे पीले पीले हो गए हैं। तो ये सबको क्लीन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। मैं आज नीचे के ग्राउंड में काम कर रही हूँ, तो मैं सोची कि थोड़ा वीडियो बना लूँ। और फिर देखें फ्रेंड्स, ये मेरा स्वीट पोटैटो वाइन, देखें किस तरह से ये हो गया है, एकदम लेजी टाइप का हो गया है। तो ये सबको अभी हमको कटिंग लगाना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा निकलेगा, और बाकी को शेप देना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखें ये कितने लंबे लंबे, ये डंठल की तरह हो गए हैं, ये सब कटिंग अभी आपके आराम से लग जाएंगे। देखें ये किस तरह से हैं, यहाँ इसके हैं, इसमें मैंने दोनों लगाया था, मैरून वाला भी लगाया था, बहुत तो मेरे मैरून वाले ख़राब हो गए फ्रेंड्स। इसको ना बराबर कटिंग लगाते रहना पड़ता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। देखें इसमें से रूट निकल रहे हैं, तो फिर से मैं इसे रिपोर्ट कर दूँगी। देखें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये रूट निकल रहे हैं, तो मैं यहाँ से कट करके इसको अलग कर लूँगी। और फिर इसमें जो है, देखें फ्रेंड्स ये सब, ये पर्पल हार्ट है फ्रेंड्स, देखें इसका क्या स्थिति है, सबको सही करना होगा। तो मैं आज नीचे ही कुछ कुछ काम कर रही हूँ कि नीचे मैं, देखें फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे स्नेक प्लांट को भी मुझे अलग करना है, ये बहुत घने हो गए हैं। ये मेरा बेबी सनरोज, देखें बेबी सनरोज में, देखें फ्रेंड्स इसी समय मौसम है इसका कटिंग लगाने का, तो देखें ये कितने लंबे लंबे हो गए हैं। तो इसे भी मैं करके देखें, और इसके पत्ते भी देखें ये सब सूख गए हैं और नया ग्रोथ देखें फ्रेंड्स चालू कर दिए हैं। तो मुझे इस सबका कटिंग लगाना पड़ेगा ताकि ये प्लांट बूसी हो, और जो बाकी जो एक्स्ट्रा है मैं उसे दूसरा हैंगिंग में लगा दूंगी फ्रेंड्स। ये देखें मेरे स्पाइडर हैं, देखें इसके भी पत्ते कितने सूखे हुए हैं नीचे से, ऊपर तो मैंने बहुत सारा काम कर लिया है फ्रेंड्स। देखें मेरा ऊपर का, मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रही हूँ, इधर से दिख रहा है, और नीचे का मेरा सारा काम पड़ा हुआ है अभी करने का। देखें ये मेरा मनी प्लांट है, वेरीगेटेड मनी प्लांट है छोटा वाला, देखें इसमें भी क्या स्थिति है अभी, ये सबको मुझे क्लियर करना है। यहाँ देखें फ्रेंड्स स्नेक प्लांट है वेरीगेटेड छोटा वाला, तो ये भी बहुत बूसी हो गए हैं, तो इसे भी मुझे अलग करना है। यही सब काम है फ्रेंड्स। ये देखें मेरा ये क्या इसका नाम है, नाम भूल रहे हैं, ये भी बहुत सारे घने हो गए हैं, मैंने कटिंग एक ही गमले में लगा दिया था, तो ये भी इसको भी अलग करना है फ्रेंड्स। और मनी प्लांट का तो स्थिति आप देख ही रहे हैं, तो अब मैं आज यही सब काम कर रही हूँ। ये मैंने जो घास लगाया था फ्रेंड्स गणेश जी के बगल में, ये भी देखें कितने इसके पत्ते एकदम डल हो गए हैं, इसको मैंने नीचे से सबको कट कर दूंगी, तो अब हरे हरे पत्ते निकलेंगे। ये सब जाड़े का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आपके जितने भी हैंगिंग प्लांट हैं सबके पत्ते पीले पड़ गए हैं, तो ये सब में भी खाद पानी का ज़रूरत है। तो
ये मेरे पान के बेल हैं इधर फ्रेंड्स। कल मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, थोड़ा सा काम किया था, मैंने वीडियो नहीं डाली थी। ये जो मैं लाई थी 20-20 रुपये में अडेनियम का प्लांट फ्रेंड्स, देखें इसका भी यही स्थिति है। ये अच्छा चल रहा है, अब डोरमेंसी से ये बाहर निकल गया है और पत्ते भी निकाल रहा है। तो मैंने इसमें कल कंपोस्ट डाल दिया था। मैं इसमें क्या डाला था मैं बता रही हूँ आपको, मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ मैं ये क्या कहते हैं जैविक खाद डाला है फ्रेंड्स, 2-2 मुट्ठी करके। और ये मेरे लक्ष्मी कमल हैं फ्रेंड्स, तो इसमें भी मैंने डाला है। और ये मेरे करसुला है, मैंने इसी साल 100 रुपया में इसे लाया था, मैं वीडियो डाली थी, देख ले ग्रोथ तो अच्छा है, लेकिन बात है कि सर्वाइव करे तब ना फ्रेंड्स, सर्वाइव ही नहीं मेरे यहाँ करता है, पता नहीं क्यों, या हमें लगाने ही नहीं आता होगा। मैं इसे कितना भी बचाती हूँ लेकिन ये बचता नहीं है। मैंने एक बार और लाया था लेकिन मैं फिर दोबारा लाई हूँ। तो ये मेरा है फ्रेंड्स, यही सब है। फिर मेरा ये देखें फ्रेंड्स ब्रह्म कमल है, इसका भी मुझे रिपोर्ट करना है। मेरे नीचे के ग्राउंड में क्या क्या काम है वही मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। देखें ये ब्रह्म कमल है, इसका भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, मैंने अमेजोन से लिया था। और ये देखें फ्रेंड्स, ये मेरा रेडिग्लोनिमा है, इसे भी मुझे रिपोर्ट करना है फ्रेंड्स। देखें ये सब भी बहुत अभी देखें, इसके पत्ते पीले हो गए हैं, देखें तो इस सबको मैंने रिपोर्ट करूंगी, दूसरे गमले में करूंगी फ्रेंड्स। और मैं जो लंबे हो गए हैं उसका मैंने कटिंग भी लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो यही सब काम है, तो मैं यही सब काम आज करूंगी। देखें फ्रेंड्स, इधर स्नेक प्लांट है, इसका भी मैं कोराई वगैरह करके खाद वगैरह दूँगी और एक्स्ट्रा निकाल दूँगी फ्रेंड्स। तो आज मैं यही सब काम करने जा रही हूँ, फिर मैं वीडियो बनाऊँगी जब सब काम कर लूँगी। तो ये देखें मेरे हैंगिंग में ये सेट में थे, तो देखें फ्रेंड्स ये कितने अच्छे लग रहे हैं, फिलेडोरन देखें हैंगिंग में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मेरा वेरीगेटेड पोथोज है फ्रेंड्स, देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मैंने छोटा सा डाल भी लगाया था फ्रेंड्स, देखें ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो एक वेराइटी मेरे पास मनी प्लांट का ये भी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका छोटा वाला तो मेरे पास यहाँ पर है फ्रेंड्स, देखें बड़ा वाला नहीं था तो मैंने बड़ा वाला भी लगा लिया था। देखें फ्रेंड्स, तो यही सब काम है, मैं यही सब काम करने जा रही हूँ। तो फिर मैं काम करूँगी तो फिर मैं दूसरा वीडियो बना लूँगी कि मैं किस तरह से कौन काम किया फ्रेंड्स। मैं सबको जा रही हूँ आज ठीक करने, तो मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर दिया करें फ्रेंड्स। थैंक यू।